वेलकम बैक टू शिक्षक एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बनाना है। तो ट्रायंगल एबीसी की हम रफ फिगर बना लेंगे साइड पे, और इसमें बीसी कितना 7 सेंटीमीटर बनाना है। एंगल बी हमें 45 डिग्री गिवन है, एंड जो एंगल ए है वो 105 गिवन है। बट जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें बेस बीसी तो गिवन है, एंगल बी भी गिवन है, बट एंगल सी हमें नहीं गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल सी को फाइंड करना पड़ेगा। सो एंगल सी को फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या होता था कि तीनों अंदर वाले एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमें एक एंगल ए कितना गिवन है 105, एंड एंगल बी कितना गिवन है 45 गिवन है, एंड एंगल सी हमने फाइंड करना है। बट इन तीनों को प्लस करके किसके इक्वल गिवन है, 180 डिग्री के इक्वल गिवन है। सो हम अगर एंगल सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारी कितनी आ रही है, वो हमारी 30 डिग्री आ रही है फाइंड करके। अब हम इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले बीसी को नीचे बना लेंगे अपनी कॉपी पे। तो बीसी हमारे पास कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप क्या कीजिए, स्केल के ऊपर 7 सेंटीमीटर मार्क कर दीजिए, एंड लेफ्ट वाले पॉइंट को बी मार्क कर देंगे, एंड राइट वाले पॉइंट को सी मार्क कर देंगे। इसके बाद दोबारा रफ फिगर को देखिए। रफ फिगर में हमारे पास बी पॉइंट पे कितना एंगल बनाना है, 45 डिग्री बनाना है, एंड जो सी पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर हमें 30 डिग्री बनाना है। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा कि इन एंगल्स को कैसे बनाना है। बट अगर आपको इन एंगल्स को बनाना नहीं आता तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है कि 45 डिग्री या 105 डिग्री या कोई भी एंगल जो आपके सिलेबस में आते हैं उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जहां पे ये दोनों एंगल्स मीट कर रहे हैं वो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। हमारे ट्रायंगल एबीसी की कंस्ट्रक्शन यहीं पे कंप्लीट हो रही है। अब क्वेश्चन में देखिए, हमें जो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड्स किस रेशियो में आ रही हैं, 4:3 रेशियो में आ रही हैं। दैट मींस जो ऊपर नंबर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। इस केस में हम क्या करते थे, ये जो बीसी लाइन है इसको भी स्केल की हेल्प से हम क्या कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे, और वो जो लाइन बीए जा रही है बीए लाइन को भी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। देन हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें कितने कट लगाने हैं, 4 कट लगाने हैं। 4 कट इसलिए लगाना है क्योंकि रेशियो में जो बड़ा नंबर है वो 4 है, और हम इसके ऊपर 4 कट लगाएंगे। तो 4 कट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बी पॉइंट के ऊपर अपनी कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखिए, एंड कंपास को थोड़ा सा खोल के फर्स्ट कट लगा दीजिए, देन उसके ऊपर रख के सेकेंड, देन सेकेंड पॉइंट के ऊपर रख के थर्ड कट, देन फोर्थ कट लग जाएगा। जो हमारा फर्स्ट कट था उसको हम B1 नेम दे देंगे, सेकंड वाले को B2, अगले वाले को B3, अगले वाले को B4 नेम दे देंगे। अब हमें रेशियो में जो नीचे नंबर गिवन है वो 3 गिवन है, सो हम B3 वाले कट को क्या करेंगे, ऊपर C पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। देन हमारा जो एंगल B3 पे बन रहा है वही एंगल हमें कहां पे कॉपी करना है, B4 पे कॉपी करना है। B4 पे इसलिए कॉपी करना है क्योंकि हमारे पास जो रेशियो में दूसरा नंबर गिवन है वो 4 गिवन है। सो एंगल को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल B3 के ऊपर बना देंगे, सेम वैसे ही सेमी सर्कल हम B4 के ऊपर बना देंगे। देन हम अपने कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको B3 वाले सेमी सर्कल के स्टार्टिंग पे टच करेंगे, एंड पेंसिल वाले पार्ट को इतना खोल देंगे कि वो सेमी सर्कल को वहां पे टच कर रहा है जहां पे सेमी सर्कल B3C लाइन को कट कर रहा है। अब जितनी कंपास खुली हुई है उसका पॉइंटेड पार्ट कहां पे रखना है, B4 वाले सेमी सर्कल के स्टार्टिंग पे, एंड पेंसिल वाले पार्ट से क्या कीजिए, कट लगा दीजिए। इसके बाद हम स्केल की हेल्प से ये जो B4 पॉइंट है उसको इस कट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन ऊपर जो BC एक्सटेंड हुई थी उसको जाके क्या करेगी, टच करेगी, और जहां पे जाके टच करेगी वो हमारा C- पॉइंट आ जाएगा। एंड ये जो लाइन बन रही है ये हमारी कौन सी लाइन, B3C के क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एंगल कहां पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, वही एंगल हमें C- पे कॉपी करना है। तो एंगल को कॉपी करने के लिए हम क्या करते थे, एक सेमी सर्कल सी के ऊपर बनाएंगे, सेम वैसे ही सेमी सर्कल हम C- के ऊपर भी बना देंगे। देन अगेन आपकी कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है
उसको सी वाले सेमी सर्कल के स्टार्टिंग पे टच कीजिए और इतना खोल दीजिए कि वो सेमी सर्कल को वहां पे टच कर रहा है जहां पे सेमी सर्कल सी ए लाइन को कट कर रहा है। इस कंपास को उठा के कहां पे रखना है, पॉइंटेड पार्ट वहां पे रखिए जहां पे सी डैश वाला सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है और पेंसिल से कट लगा दीजिए। सो फाइनली हम क्या करेंगे, सी डैश को इस कट से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके अगर इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये हमारी किस लाइन को मीट करेगी, जो हमने ए बी एक्सटेंड की थी, जहां पे ये जाके उस लाइन को मीट कर रहा है वो हमारा ए डैश पॉइंट बन जाएगा। अब हमारा सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश बन चुका है, जिसकी साइड्स किस रेशियो में आ रही है, 4:3 रेशियो में आ रही है हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी के। वी होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।